हेलो स्टूडेंट्स, आज सेकंड पार्ट के अंदर 16 तक हमने क्वेश्चन जो है 17 तक डिस्कस कर लिए थे। अब जो 18 क्वेश्चन आया बच्चों, वो आपका क्वेश्चन आया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से आया है एक पार्ट, और एक पार्ट जो है टेंजेंट्स और नॉर्मल में से आया है, और इंटरवल्स वाला जो आया है वो 4 डिग्री वाला आया है, उसमें पूछा हुआ है इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और एक क्वेश्चन आपका आया है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का, 16x² + 9y² = 145 एट द पॉइंट दिस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसको मैं करके दिखा देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन है आपका 16x² + 9y² = 145, और पॉइंट्स आपको x1 जो है बच्चों 2 के इक्वल दे रखा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, x1 आपको 2 दे रखा है, तो यहां पर आप 2 रखोगे तो ये 4 आ गया = 9y² = 145। तो 9y² = 64, तो 145 में से 64 गया बच्चों, तो 145 माइनस 64 तो 81 आ गया है। तो 81 को 9 से आप डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस 9 आ गया है, कई बच्चे गलती कर सकते हैं। तो y1 जो है आपने यहाँ पर 9 लेना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है, तो आपकी आ गई y-9 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इधर आपकी स्लोप आ जाएगी। स्लोप अभी मैं निकाल देता हूँ, x-x1, और जो स्लोप आने वाली है वो आने वाली है 32x + 18y (y1 = 0, तो y1 = -32x / 18y, और जो x है वो आपका 2 आया हुआ है और y जो है आपका 9 आया हुआ है। तो इस तरह ये आपकी स्लोप आ गई बच्चों, इसको 9 इधर ले जाओ, -32/81, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है आपका आ गया है y-9, और ये हो जाएगा 81/32 × x-x1। अब इसका जो सेकंड पार्ट था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का था, और वो पार्ट जो है बच्चों आपका 4 डिग्री का आया है, 3 डिग्री का नहीं आया, किसी डिग्री का नहीं आया। तो सिंपल था क्वेश्चन था, इसको आपने सॉल्व करना था, तो उसके मैं फैक्टर्स बना देता हूँ, आपको बता देता हूँ कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है, वो देख लेते हैं। और उसने क्या कहा है इसके अंदर, उसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किया है, यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, x^4 / 4 - x³ - 5x² + 24x + 12, और ये आपका क्वेश्चन है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में पूछा हुआ है। आप लोगों ने इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका आ गया f'(x) = 4x³/4 - 3x² - 10x + 24, 4 से 4 चला गया। और अब आप लोगों ने यहाँ पर फैक्टर्स निकालने थे, तो फैक्टर्स जो निकालने हैं, ये आपका 30 है, ये 24 है, और आप यहाँ पे 1 रख के देखो तो 1 इसका फैक्टर नहीं है। इसके बाद आपने 2 रख के देखना था, 8 - 3 × 4 - 20 + 24, तो ये आपका 2 जो है इसका फैक्टर है। तो उसके बाद आपने दूसरे 2 फैक्टर्स और निकालने थे, टोटल 3 फैक्टर्स आने थे। और तीसरा जो, अब आपने इसको x-2 से डिवाइड करना था, तो आप लोगों को मैंने बड़े सारे तरीके बता रखे हैं, ये आपका सिंथेटिक डिवीजन होता है जिससे आप फटाफट निकाल सकते हैं, लेकिन CBSE में तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे। तो ये -1 आ गया, ये -2, तो -12, ये -24, और अब आपकी ये इक्वेशन आ गई हैं x-2 x² - x - 12 = 0। अब 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट -12x² और सम दिस हो, तो वो आप निकाल सकते हैं, x² - 4x + 3x - 12 = 0, और ये आ गया आपका x-2 x - 4 + 3x - 4। तो जब आपके क्रिटिकल पॉइंट हैं बच्चों, एक तो 2 आ गया, एक 4 आ गया, और एक -3 आ गया, तो अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और इन क्रिटिकल पॉइंट से ही पता चल जाता है। यहाँ पर सिर्फ मैं आंसर लिख रहा हूँ, -∞ से -3, ये आपको मालूम है पॉजिटिव नेगेटिव होना था, और उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल बनना था -3 से 2, नेक्स्ट 2 से 4, और 4 से ∞, और यहाँ टेबल आपको बनाना था। और ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, ये आपका नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था,
और इसमें स्टिकली डिक्रीजिंग था और इसमें स्टिकली इंक्रीजिंग था। तो ये दोनों क्वेश्चन चॉइस के अंदर थे, 18 क्वेश्चन था जिसे आप बड़े आराम से और बड़े ध्यान से कर सकते थे। बच्चों जो 19th क्वेश्चन आया है वो पार्शियल फ्रैक्शन का आया है, पहले तो उसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा फिर पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे करना था 19th क्वेश्चन, ये भी 4 मार्क्स में है। तो यदि आपने अपनी स्पीड बनाए रखी होगी तो हमारे क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो गए होंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका है 2 cos x / 1 - sin x / 1 + sin² x। तो ये था बच्चों 2 cos x / 1 - sin x / 1 + sin² x, इसको बच्चों हमें इंटीग्रेट करना था। और अब आप लोगों को मालूम है इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है कि साइन एक्स को क्या ले लेते हैं बच्चों, वाई ले लो या टी ले लो। तो ये आ गया dy = cos x dx और ये आ गया 2dy = 1 - y * 1 + y². इसको आप लोग जानते ही हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं। और ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन लग जानी थी यहाँ पर, इज इक्विवेलेंट टू a/(1 - y) और ये आ जाना था आपका by + c/(y² + 1). ABC की वैल्यू निकाल के उसके बाद आप लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर देना था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये 19 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चों जो 26th क्वेश्चन आया था वो भी NCERT का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, इफ शी गेट्स 103 शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट द नंबर ऑफ टेल्स, इफ शी गेट्स 3, 4, 5 और 6 शी टॉसेस अ कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेंड, इफ शी ऑब्टेंड एग्जैक्टली 1 टेल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 3, 4, 5। ये भी बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन था, इफ ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है, फाइंड अ वेक्टर डी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड डी। तो आपको मालूम है कि एक वेक्टर ए वेक्टर डी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड बी, तो अब आपको एक डी वेक्टर कंसीडर करना था, उसको सी और बी के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो करना था और डी डॉट ए भी 21 दे रखा था। उस तरह आपकी ये 3 इक्वेशन आनी थी, तो एक्स वाई जेड आपने जो डी वेक्टर कंसीडर किया वो आ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd जो था, एन ओपन टैंक विद ए स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट इज टू बी होल्ड, ये आपका मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन था और आपका ये बॉक्स का क्वेश्चन था, शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटीरियल विल बी लीस्ट व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ द विड्थ, इफ द कॉस्ट इज टू बोर्न बाय नियर बाय सेटल लोअर इनकम फैमिली फॉर होम वाटर विल बी प्रोवाइडेड वट काइंड ऑफ वैल्यू इज, और वैल्यू बेस्ड भी था इसके, वैल्यू बेस्ड भी करना था, ओपन टैंक था और ऊपर से ओपन टैंक का थोड़ा ध्यान रखना था। और ये क्वेश्चन भी आप बड़े आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों x² + y² का होल स्क्वायर = xy और इसका dy/dx निकालना था, इसको मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये था बच्चों x² + y² का होल स्क्वायर = xy, dy/dx निकालना था। ये आप लोगों को मालूम है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और 2 - 1 ये आपका आ गया 2x + 2y (dy/dx) = x (dy/dx) + y (1). dy/dx आपने एक साथ कर लेने थे और ये आपका आया था 2x² + y² (2x) और ये आ गया 4y (x² + y² (dy/dx) = x (dy/dx), इसको मैं रब कर देता हूँ प्लस y। तो अब dy/dx वाली टर्म्स आपने एक साथ कर देनी थी बच्चों, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाना था, y - 2x² - 2y² और इसको इधर ले गए और (x) और ये dy/dx वाला नीचे आ जाना था। ठीक है, और इसके साथ एक चॉइस का क्वेश्चन वो दिया हुआ था और वो क्वेश्चन पैरामेट्रिक का था जिसमें dx/dθ निकालना था, dy/dθ निकालना था। और यदि आपको चॉइस करने के लिए कहा जाता तो ऊपर वाला क्वेश्चन ज़्यादा बेटर था, वो पैरामेट्रिक था जो इम्प्लिसिट था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया बच्चों, 24th क्वेश्चन सेक्शन डी के अंदर हम आ चुके हैं। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था और इसको आपने सॉल्व करना था। और इस तरह का क्वेश्चन आपने NCERT के अंदर भी देखा हुआ है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, और इसको भी आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे। ये था बच्चों sin x + cos x / 9 + sin 2x (0 to π/4). ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपका इनडेफिनिट का क्वेश्चन था, लिमिट साथ में दी हुई थी।
अब आप लोगों को मालूम है कि जब भी प्रोडक्ट नीचे आ जाए ऊपर सम हो तो ऊपर वाले की इंटीग्रेशन को टी या वाई रख देते हैं, तो कोस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होगी, साइन एक्स की कोस एक्स हो गई, तो डी वाई आ गया आपका कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और ऊपर आ गया डी वाई, इसको स्क्वेयर कर देंगे तो ये आ गया आपका साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स माइनस टू साइन एक्स कोस एक्स, और ये आ गया आपका वन माइनस वाई स्क्वेयर, साइन टू एक्स की वैल्यू आ जानी थी यहाँ पर, तो नाइन प्लस वन माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। और एन सी आर टी में 16 भी साथ में दिया हुआ है तो ये और ज़्यादा बेटर हो गया, तो ये हो गया 10 माइनस वाई स्क्वेयर, और उसके बाद आपको मालूम था 2 इंटू रूट 10 लॉग आपका इधर रिजल्ट सीधा आ जाना था, और उसके बाद आप लोगों ने लिमिट लगानी थी। और नेक्स्ट जो है बच्चों क्वेश्चन इसके साथ च्वाइस का दिया हुआ था, और च्वाइस का जो क्वेश्चन है वो आपका एज अ लिमिट ऑफ सम था, लिमिट ऑफ सम में एक्स स्क्वेयर भी था, थ्री एक्स भी था, ई टू द पावर एक्स था, तो जो समझदार बच्चा होगा उसने ये वाला पार्ट किया होगा। और नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन था वो आपका क्वेश्चन जो था एलपीपी का क्वेश्चन था, इसमें ग्राफिकली सॉल्व भी करना था और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था जिसे आप आराम से कर सकते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों 26, इसमें दो पार्ट थे, एक पार्ट के अंदर जो वो कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन बताना था, डिटरमिनेंट ऑफ मोड ए माइनस बी था इज डिवाइड बाई 4, तो इसके अंदर आपने ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव और उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास भी निकालनी थी 2 की, तो ये देखा हुआ क्वेश्चन है बच्चे आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद एक फंक्शन था और उसे शो करना था नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, और जी एफ गो जी भी निकालना था। और एक क्वेश्चन और आया बच्चों 27th एरिया का, ठीक है, उसमें एक सर्कल और एक लाइन है बच्चों, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 32 और वाई इक्वल टू एक्स, ये आपका सर्कल है जिसका रेडियस अंडर रूट 32 है, एक लाइन है, उनके बीच का एरिया निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत बार किया हुआ है तो इसे भी बड़े आराम से आप लोग कर सकते थे। 28 क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, उसमें ए इनवर्स निकालना था, वो आपको मालूम है एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ए करके, और नीचे इक्वेशन दे रखी थी बिल्कुल उसी की तरह, इक्वेशन ए मैट्रिक्स की तरह थी, उसी इनवर्स को यूज़ करते हुए आपने उन इक्वेशन को सॉल्व करना था। और उसके साथ एक च्वाइस का क्वेश्चन था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना था, और 3D का क्वेश्चन वेरी इजी, उसके बाद वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इस पॉइंट से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन, लाइन एंड प्लेन इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके लाइन के ऊपर पॉइंट लैम्डा रख के, लैम्डा दिया हुआ है वो प्लेन को सेटिस्फाइड करने चाहिए थे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ जाते और उस इंटरसेक्शन पॉइंट और इनके बीच में डिस्टेंस निकाल देनी थी। तो ओवरऑल पेपर देखा जाए तो सब कुछ एग्जामिनर ने पूछने की कोशिश की है, बच्चों को जो पेपर का लेवल है वो कहा जा सकता है बिल्कुल एवरेज से भी थोड़ा कम था, जिन बच्चों की स्पीड अच्छी थी वो इन क्वेश्चन को अच्छा कर सकते थे। एक दो क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े नए बनाए हुए हैं, लेकिन वो नए भी ऐसे हैं कि जो बच्चा अच्छा काम करने वाला है वो आराम से कर सकता है। तो अब आप अपने 2019 की तैयारी करनी स्टार्ट करनी है और इस प्लानिंग को साथ लेके चलना है कि आपने सारी बुक्स में से करना है। थैंक यू वेरी मच, ओके।